पेन डाउन स्ट्राइक का मंडी जिला में भी व्यापक असर देखने को मिला। जिला के अस्पतालों में इलाज करवाने आए मरीजों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। क्षेत्रीय अस्पताल में सुबह 11 बजे तक डॉक्टरों ने ओपीडी में अपनी सेवाएं नहीं दी, ऐसे में मरीजों को कई दिक्कतें पेश आई। हालांकि इमरजेंसी में डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। जिला के दुर्गम इलाके जंजैहली से जोनल अस्पताल इलाज करवाने आए मरीजों का कहना है कि सुबह से ही पर्ची बनाने के लिए कतारों में खड़े होना पड़ता है, उसके उपरांत ओपीडी में भी काफी लंबी कतार लगी है। ऐसे में 1.5-2 घंटे का इंतजार करने पर भी बारी नहीं आ पा रही है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में पहले ही डॉक्टरों की कमी है और अब पेन डाउन स्ट्राइक के चलते उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारी आज से जो है वो 1.5 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है, जो कि 9:30 से 11 बजे तक रहेगी। ये स्ट्राइक हमारी जो हमारा डॉक्टरों का एनपीए बंद किया हुआ सरकार ने, जो हमारे नए इलेक्टेड होंगे डॉक्टर्स, जो नवनियुक्त डॉक्टर आएंगे, उनका सरकार ने जो है वो एनपीए बंद किया हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर हम लोगों ने, जैसे हमारी स्टेट बॉडी है, उन्होंने माननीय हेल्थ मिनिस्टर के साथ मीटिंग भी करी, लेकिन उसमें कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो उसके बाद से हम पेन डाउन स्ट्राइक पे और काले बिल्ले लगाकर अपना विरोध जारी कर रहे हैं। हालांकि हम चाहते नहीं हैं कि हम ऐसी स्ट्राइक करें ताकि लोगों को कोई परेशानियां हो, लेकिन बार बार सरकार से वार्ता करने के बाद जब कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो हमें मजबूरन ये स्टेप उठाना पड़ रहा है। इसमें इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी जैसे पहले चलती आ रही है। इसमें सिर्फ ओपीडी 1.5 घंटे के लिए बंद की हुई है।